दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन है राजस्थान ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है जिस तरह अपने सुझाव प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए हमें इसका इंतजार रहता है चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेन से समझते हैं तो उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से तुंगनाथ मंदिर की दूरी 70 किलोमीटर है चोपता से 4 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर लोग मंदिर तक पहुंचते हैं गौरतलब है कि इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की है तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के लगभग बीच में स्थित है यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है तो इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय नीति आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी शुरू किया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य शुरुआती बाल अवस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की के आवश्यकता को उजागर करना है मंत्रालय का विजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव के अनुसार भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाला आरंभिक विद्यालय तंत्र सुनिश्चित करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को दैनिक आधार पर कम से कम दो घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली आरंभिक विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अगला प्रश्न है माई गोव ने किसके सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है आपके ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय या फिर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय माय गॉव ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है इसका उद्देश्य विभिन्न गायन विधाओं में नई और युवा प्रतिभाओं का चयन तथा उनकी पहचान करके राष्ट्रीय तौर पर जमीनी स्तर पर भारतीय संगीत को बढ़ावा देना है शीर्ष तीन विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में फिनाले यानी फिजिकल इवेंट में की जाएगी इस टैलेंट हंट के तहत पुरस्कार और मान्यता की बात करें तो प्रथम पुरस्कार जीतने वाले को डेढ़ लाख रूपए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा वहीं द्वितीय विजेता को एक लाख रुपए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा वहीं तृतीय विजेता को पचास हजार रुपए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय नेक्स्ट क्वेश्चन है सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है आपके ऑप्शन है बांग्लादेश म्यांमार सऊदी अरब या फिर इंडोनेशिया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी म्यांमार हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह का उदघाटन किया है इस आयोजन के दौरान उन्होंने पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी की जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था सितवे बंदरगाह के संचालन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और साथ साथ यह म्यांमार के रखाइन राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी म्यांमार अगला प्रश्न है इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023 को कहाँ पर लॉन्च किया गया है आपके ऑप्शन है नई दिल्ली न्यूयॉर्क बर्लिन या फिर दुबई तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दुबई जी जे ई पी सी ने दुनिया में अपनी तरह का पहला इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन यानी आई जे ई एक्स दो हजार तेईस लॉन्च किया है इसका उद्देश्य मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देना है आई जे ई एक्स दो हजार तेईस एक ग्लोबल बिजनेस टच पॉइंट है खासकर कर जे जे ई पी सी सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने के लिए जैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EPC, जी जे ई पी सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत की सर्वोच्च संस्था है आई एक साल भर चलने वाली प्रदर्शनी है जो दीरा दुबई में गोल्ड के सामने स्थित है आई का उद्देश्य मध्य पूर्व बाजार उत्तरी अफ्रीका सहित विभिन्न क्षेत्रों के खरीदारों और निर्माताओं को एक साथ लाकर व्यवसाय उत्पन्न करना है गौरतलब है कि भारत कटे और पॉलिश किए गए हीरो में अग्रणी है दुनिया भर में आभूषणों में स्थापित पंद्रह में ऐसी चौदह हीरे भारत में संसाधित किए जाते हैं ये सोने के आभूषणों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है चांदी के आभूषणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ प्रयोगशाला में विकसित हीरा निर्माता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि दुबई अगला प्रश्न है भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क किस राज्य ने लॉन्च किया है आपके ऑप्शन है गुजरात कर्नाटक तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तेलंगाना हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है ये भारत ने अपनी तरह की पहली नीति है इसका उद्देश्य एक स्थायी रोबोटिक तंत्र बनाना और राज्य को रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक नेता के रूप में स्थापित करना है अखिल भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन और शिक्षा विदो उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के इनपुट के सहयोग से ये रूपरेखा विकसित की गई थी फ्रेमवर्क चार प्रमुख डोमेन कृषि स्वास्थ्य सेवा औद्योगिक स्वचालन और उपभोक्ता रोबोटिक्स हैं इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तेलंगाना अगला प्रश्न है चर्चा में रहा मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है आपके ऑप्शन है प्रवासी पक्षियों का मार्ग मध्य एशियाई देशों को जोड़ने वाला मार्ग मध्य एशियाई देशों में रक्षा सहयोग का घोषणा पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रवासी पक्षियों का मार्ग चलिए इस प्रश्न देखते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय यानी यू एन के सहयोग से मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वे सी में प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए पक्षकार देशों की एक बैठक आयोजित की चलिए जानते हैं मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी सी की ये पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक तीस देशों तक फैला हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप सीएएफ सी एफ का एक हिस्सा है जहाँ एक प्रवासी जल पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है भारत में प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ हैं जिनमें साइबेरियन क्रेन और लेसर वाइट फ्रंट गुज जैसे संकटग्रस्त और लुप्तपाय प्रजातियाँ शामिल है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रवासी पक्षियों का मार्ग नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब लीग के संदर्भ में निर्मित कथनों में से कौन सा सही है आपके ऑप्शन है अरब लीग मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के सभी अरब देशों का अंतर सरकारी अखिल अरब संगठन है इसका 22 मार्च 1945 को काहिरा मिशन में गठन किया गया था वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं या फिर उपयुक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी कथन सही है चलिए देखते हैं अरब लीग जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स यानी स्टेट कहा जाता है यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी अखिल अरब संगठन है वर्ष उन्नीस सौ चौवालीस में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिश्र में इसका गठन किया गया था वर्तमान में इसमें बाईस अरब देश शामिल है अल्जीरिया बहरीन कोमोरोस जिबूती मिश्र इराक जॉर्डन कुवैत लेबनान लीबिया मारिटानिया मोरक्को ओमान फिलस्तीन कतर सऊदी अरब सोमालिया सूडान सीरिया संयुक्त अरब अमीरात और यमन इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है गैर संचारी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपके ऑप्शन है हृदय रोग कैंसर मधुमेह या फिर चेचक तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चेचक गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी लंबी अवधि तक व्याप्त रहते हैं जिसे पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है और अनुवांशिक शारीरिक पर्यावरण तथा व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का यह परिणाम होते हैं एनसीडी में प्रमुख रूप से हृदय रोग जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक कैंसर पुराने श्वसन रोग जैसे प्रतिरोधी फोफुसी रोग एवं अस्थमा तथा मधुमेह शामिल है इसी कारणों की बात करें तो इसमें शामिल है तंबाकू का उपयोग अस्वास्थ्य आहार शराब का सेवन शारीरिक निष्क्रियता और वायु प्रदूषण जैसी स्थितियां जोखिम में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं। आता इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चेचक चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न तो अभ्यास प्रश्न है देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंडीगढ़ ऑप्शन बी नई दिल्ली ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी गाजियाबाद तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ तब तक, तक के लिए शुक्रिया